वेलकम एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं कॉलम्स, और लास्ट लेक्चर प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है कॉलम्स के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स एंड इक्विवेलेंट लेंथ। अगर डिफरेंट एंड कंडीशंस होगी तो कॉलम की इक्विवेलेंट लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके, और डिफरेंट एंड कंडीशंस के हिसाब से आपका जो कॉलम की स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमने स्टडी किया था यूलर्स थ्योरी फॉर लॉन्ग कॉलम, इसमें हमने एजम्पशंस कंसिडर किए थे, मटेरियल आपका होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, कंप्रेसिव लोड आपका एक्सियल होना चाहिए, कॉलम्स ओनली फेल बाय बकलिंग, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज निगलेक्टेड। इस तरीके से हमने ये सेवन हमने एजम्पशंस कंसिडर किए थे। एजम्पशंस के बाद कंसिडर करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था जिसको हम बकलिंग लोड फार्मूला या फिर यूलर्स बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं। तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला था PE इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर, ओके। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं उसका क्या मतलब है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आई मिनिमम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टडी कराया था कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जब आप क्रॉस सेक्शन में निकालते हो, तो इसमें से जो भी आपका मिनिमम होगा वो आपको फॉर्मूले में कंसिडर करना है, ओके। उसके बाद डिफरेंट एंड कंडीशंस पर आपका जो बकलिंग फार्मूला है वो किस तरीके से चेंज होता है वो मैंने आपको ये मैंने आपको बता दिया, ओके। इसके बाद जो आपका जो यूलर थ्योरी ऑफ बकलिंग है उसका लिमिटेशन है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन से। सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग। यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग का जो आपका लिमिटेशन है वो है कि ये आपका जो थ्योरी है ये ओनली वैलिड है फॉर लॉन्ग कॉलम, इट इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम, ओके। आप इसको कैसे प्रूव करोगे ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ओके। इट इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम और valid only for column which fails by buckling, ये इसका limitation है, okay। इसको हम देखते हैं कैसे है ये limitation। आपको पता है जो buckling load है crippling load Euler's theory से जो आया था pi square e I minimum divided by एल ई स्क्वायर, ओके। हम कंसिडर करते हैं, हमने कंसिडर किया जो एंड कंडीशन है, इफ हमने यहाँ पे कंसिडर बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज्ड, ओके। हिंज्ड कंडीशन में आपका जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो लेंथ ऑफ कॉलम के बराबर इक्वल हो जाता है, ओके। तो यहाँ से आपका बकलिंग लोड पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ओके। इसके बाद फर्दर हमें पता है आई क्या होता है, आपका एरिया इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। अगर हम इस आई को यहां पे पुट कर दें फॉर्मूले में, आई को हम यहां पर पुट कर दें इस पर, तो यहां
यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा पी ई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई ए के स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी ई पाई स्क्वायर ई पी ई पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाय एल बाय के स्क्वायर। ओके, और आपको पता है कि एल बाय के आपका क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशो, इसको हम एस लिख लेते हैं। ओके, तो जो आपका फॉर्मूला है पी ई बकलिंग लोड क्रिपलिंग लोड दैट इज पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाय स्लेंडरनेस रेशो एस स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, पी ई डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एस स्क्वायर। ओके, अब लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया ये क्या होता है, स्ट्रेस। ओके, ये होता है स्ट्रेस, ठीक है, लोड पर यूनिट एरिया इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। ओके, और यहाँ से इस फॉर्मूले से आपका एक चीज़ और निकल के आती है, इस फॉर्मूले से आपका एक चीज़ और निकल के आता है कि जो आपका क्रिपलिंग लोड है या बकलिंग लोड है वो स्लेंडरनेस रेशो के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो यहाँ से ये पता लगता है, तो अगर यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इफ स्लेंडरनेस रेशो इंक्रीजेस देन बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड डिक्रीजेस, मतलब बकलिंग लोड जो है फेली बकलिंग होने के लिए जो लोड चाहिए वो डिक्रीज हो जाएगा, और स्लेंडरनेस रेशो अगर आपका डिक्रीज होता है, स्लेंडरनेस रेशो इज डिक्रीज देन योर बकलिंग लोड क्रिपलिंग लोड या फिर मैक्सिमम लोड एट विच बकलिंग अकर्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ से आपको पता लगेगा, क्योंकि हमारा स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, शॉर्ट कॉलम में। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो, फॉर शॉर्ट कॉलम जो आपका स्लेंडरनेस रेशो है एस, वो आपका बहुत कम होता है, दैट विल बी लेस देन 32। ओके, एस की वैल्यू लेस देन 32। ओके, और लेकिन फॉर लॉन्ग कॉलम एस इज ग्रेटर देन 120, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशो कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर, फॉर लॉन्ग कॉलम आपका स्लेंडरनेस रेशो ज़्यादा है, लेकिन फॉर शॉर्ट कॉलम स्लेंडरनेस रेशो कम है। तो फॉर शॉर्ट कॉलम जो बकलिंग लोड की वैल्यू है, बकलिंग लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बकलिंग बकलिंग होने से पहले ही वो आपका क्रशिंग हो जाएगा। ओके, तो फॉर शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम आप और जो लॉन्ग कॉलम है उसमें बकलिंग लोड की वैल्यू ये बहुत कम होगी, तो शॉर्ट फॉर लॉन्ग कॉलम आपका बकलिंग होगा, यहाँ से आपको पता लगता है, ठीक है, और ये आपका क्रशिंग होगा। सो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपका यूलर्स फॉर्मूला है या बकलिंग फॉर्मूला है वो आपका वैलिड है ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। ओके, यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग, वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम।
ओके इसको हम ये आ गया आपके समझ में। अगर आप एक एग्जांपल लेते हो, माइल्ड स्टील का एग्जांपल लेते हो, तो आपको समझ में आएगा। ओके हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माइल्ड स्टील। कॉलम जो है माइल्ड स्टील, सॉरी माइल्ड स्टील कॉलम। ओके सो माइल्ड स्टील में जो आपका यंग्स मॉडुलस है ई, इसकी वैल्यू आपकी जनरली 2110 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ओके एंड जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ दैट विल बी 0.33 पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमने एक माइल्ड स्टील कॉलम लिया जिसका यंग्स मॉडुलस 2110 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और अल्टीमेट स्ट्रेंथ 0.33 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ओके तो हमें पता है जो पी ई डिवाइड बाय ए, इज इक्वल्स टू जो अभी हमने पीछे देखा था आपने, पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। ओके और फेलियर होने के लिए आपका जो पी ई डिवाइड बाई ए है, जो स्ट्रेस है, दैट विल बी सिग्मा सी। ओके फॉर कॉलम टू बी फेल बाय बकलिंग, क्योंकि क्रशिंग से कम होना चाहिए, सिग्मा सी इज योर क्रशिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इससे कम होगा तभी जब ये तो है आपका बकलिंग स्ट्रेंथ, पी ई बाई ए दैट इज योर बकलिंग स्ट्रेंथ एंड सिग्मा सी इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके दिस इज योर कंप्रेसिव अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके अगर बकलिंग वाली स्ट्रेंथ कम होगी तभी आपका कॉलम बकलिंग में फेल होगा, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इस कंडीशन से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एस स्क्वायर स्लेंडरनेस रेशो शुड बी लेस देन सिग्मा सी। ओके तो यहाँ से पाई की वैल्यू डालेंगे, ई की वैल्यू डालेंगे और सिग्मा सी की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास जो स्लेंडरनेस रेशो एस की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ग्रेटर देन 79.25। इसको हम 80 कर लेते हैं, तो एस की वैल्यू ग्रेटर देन 80। ओके तो आपका कॉलम बकलिंग में तभी फेल होगा जब आपकी एस की वैल्यू, ओके जो हमने कॉलम कंसिडर किया है, कॉलम फिर फेल बाय बकलिंग इफ स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 80। ओके अगर सेम कॉलम का स्लेंडरनेस 80 से कम होगा तो वो बकलिंग में फेल नहीं होगा, वो क्रशिंग में फेल होगा। समझ में आ गया? तो इससे आपको समझ में आता है कि जो लॉन्ग कॉलम है वहीं पर आपका बकलिंग होता है। और हमने अजम्पशन में क्या कंसिडर किया था जब हम यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग को ड्राइव कर रहे थे, तो हमने अजम्पशन में कंसिडर किया था, आपको अजम्पशन दिखा देता हूँ, जो हमारे अजम्पशंस थे उसमें हमने कंसिडर किया था कि कॉलम बकलिंग में ही फेल होना चाहिए, कॉलम विल फेल बाय बकलिंग। ये थर्ड जो अजम्पशन है आपका, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अजम्पशन था। ओके और कॉलम आपका बकलिंग में तभी फेल होगा जब वो लॉन्ग कॉलम होगा। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। तो ये फॉर्मूला आप लॉन्ग कॉलम के लिए ही लगा सकते हो, ठीक है? तो ये तो हमारा लिमिटेशन हो गया। अब शॉर्ट कॉलम के लिए कैसे करना है? जब आपका शॉर्ट कॉलम होगा, ओके फॉर शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम आपका फेल होता है क्रशिंग में, शॉर्ट कॉलम इट फेल्स बाय क्रशिंग। ओके और कंप्रेसिव और कंप्रेशन, तो यहां पर हम कंसिडर करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिंपल सिग्मा सी इज इक्वल टू डिवाइड बाय ए पी सी कंप्रेसिव लोड इज सिग्मा सी इनटू ए तो यहां से हम निकाल लेते हैं अपना कंप्रेसिव लोड ठीक है तो ये हमारा शॉर्ट कॉलम के लिए है ठीक है शॉर्ट कॉलम में आपका स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 32 ओके और लॉन्ग कॉलम में फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है एस इज ग्रेटर देन 120 ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच में जहाँ इन दोनों के बीच में जो स्लेंडरनेस रेशियो होती हैं वो कॉलम भी होते हैं तो वो कॉलम आपके बकलिंग में भी फेल हो सकते हैं और क्रशिंग में भी फेल हो सकते हैं तो उसके लिए आपका रैंकाइन ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था फॉर कॉलम मीडियम कॉलम जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो रैंकाइन ने फॉर्मूला डेवलप किया था वो क्या था वो हम स्टडी करते हैं कि रैंकाइन उसको हम बोलते हैं रैंकाइन फॉर्मूला ओके तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या था आपका रैंकाइन फॉर्मूला बेसिकली जो कॉलम ना तो शॉर्ट है ना लॉन्ग है या फिर आप कह सकते हो जो कॉलम आपका मीडियम कॉलम है रैंकाइन फॉर्मूला फॉर मीडियम कॉलम क्योंकि मीडियम कॉलम जो है आपका बकलिंग से भी फेल हो सकता है और क्रशिंग से भी फेल हो सकता है तो उसके लिए रैंकाइन ने दोनों का आपका कंबाइंड इफेक्ट लिया था कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट कॉज्ड बाय बकलिंग तो यहाँ पर रैंकाइन ने क्या कंसिडर किया था कंसिडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड और कौन सा था बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बकलिंग ओके या फिर इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि इसने कंबाइंड इसने जो आपका इट कंसीडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग ठीक है तो ये कंसिडर किया गया रैंकाइन ने तो दोनों ने दोनों को कंसिडर कर गए तो रैंकाइन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था रैंकाइन ने कंसिडर किया पी आर इज योर रैंकाइन लोड एंड पी आर इज योर रैंकाइन लोड रैंकाइन बकलिंग लोड ओके पी आर इज योर रैंकाइन बकलिंग लोड एंड पी सी इज योर कंप्रेसिव और क्रशिंग लोड क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड पी ई इज योर बकलिंग लोड सो रैंकाइन ने जो फॉर्मूला डेवलप किया था दैट इज वन बाय पी आर इज इक्वल्स टू वन बाय पी सी प्लस वन बाय पी ई ओके यहां से हम निकालेंगे वन बाय पी आर इक्वल्स टू
PE plus PC divided by PC PE, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं तो PR इक्वल्स टू PC PE डिवाइड बाय PE प्लस PC। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो PR इक्वल्स टू PC डिवाइड बाय 1 प्लस PC डिवाइड बाय PE। ओके, अब PC इज योर सिग्मा C इनटू एरिया A, ओके, एंड PE इज योर पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाय एल बाय के का स्क्वायर। एल बाय के स्लेंडरनेस रेशो, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन वन में। अगर हम इसको इक्वेशन वन कंसिडर करते हैं तो पुट वैल्यू ऑफ पी सी एंड पी ई इन इक्वेशन वन, तो यहाँ पे हमारे पास जो रैंकाइन लोड का वैल्यू आएगा दैट इज पी सी की वैल्यू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाय वन प्लस सिग्मा सी, सॉरी पी सी की वैल्यू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाय पी ई की वैल्यू पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाय एल बाय के का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका ए से आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ए से ए आपका कैंसिल आउट हो गया। फर्दर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सिंप्लीफाई करेंगे सो पी आर इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाय वन प्लस सिग्मा सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई इंटू एल बाय के स्क्वायर, ओके, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा ना, ये हमारे जो टर्म है ये टर्म हमारी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, सो पी आर इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू ए वन प्लस स्मॉल ए एल बाय के स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल ए ध्यान दीजिएगा, जो ये टर्म है स्मॉल ए, इसको हम बोलते हैं रैंकाइन कांस्टेंट, दिस वन स्मॉल ए, वेयर ए इक्वल्स टू रैंकाइन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपके सिग्मा सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई। ओके, इसको कांस्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि सिग्मा सी इज योर कांस्टेंट, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मटेरियल के हिसाब से डिपेंड होता है, तो ये फिक्स रहेगा। पाई इज योर कांस्टेंट एंड ई इज योर मटेरियल, अगर एक टाइप का है तो ई भी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट रहती है, ओके, इसलिए इसको बोला है रैंकाइन कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है तो रैंकाइन कांस्टेंट क्या है। तो रैंकाइन कांस्टेंट आपको बता देना है कि ए की वैल्यू होती है रैंकाइन कांस्टेंट की सिग्मा सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई, ओके। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देख रहे हो, एक सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में दो नंबर में पूछा जाता है या एक नंबर में पूछा जाता है, या फिर हो सकता है इसके बेस पे आपका नंबर निकल आ जाए कि आप रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, ओके। तो ये हमारा था रैंकाइन फॉर्मूला, दिस इज योर रैंकाइन फॉर्मूला, ठीक है, और ये आपका रैंकाइन कांस्टेंट, ये आपका रैंकाइन फॉर्मूला और ये आपका रैंकाइन कांस्टेंट। अब रैंकाइन फॉर्मूला को हम यूज़ कैसे करेंगे, अब देखिए, क्योंकि रैंकाइन ने दोनों का कंबाइन इफेक्ट लिया था, हम कंसिडर करते हैं, और रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली, ये जो वैल्यू हैं ये आप फाइंड आउट करते हो
रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू. इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटली आप इसकी इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हो. ठीक है, अगर अब रैंकाइन का फॉर्मूला आप यूज़ कैसे करते हो, सपोज करो फॉर लॉन्ग कॉलम, हम लॉन्ग कॉलम कंसिडर करते हैं. लॉन्ग ओके, फॉर लॉन्ग कॉलम जो क्रशिंग है पी सी इज मच मच ग्रेटर देन पी ई. ओके, पी सी की वैल्यू जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है बकलिंग लोड के, तभी तो बकलिंग में फेलियर होगा. ओके, अगर इसको हम रिवर्स करें, वन बाय पी सी इज वेरी लेसर देन वन बाय पी ई. ओके, और जो हमारा रैंकाइन फार्मूला था, रैंकाइन फार्मूला में रैंकाइन फार्मूला क्या था, वन बाय पी आर इक्वल्स टू वन बाय पी सी प्लस वन बाय पी ई. ओके, सो अगर हमारा फॉर लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम में क्या करेंगे हम, यहाँ पर वन बाय पी सी कैन बी निगलेक्टेड क्योंकि ये बहुत कम है. ओके, वन बाय पी सी कैन बी निगलेक्टेड बिकॉज वन बाय पी सी इज मच मच लेस देन वन बाय पी ई. तो यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज वन बाय पी आर इक्वल टू वन बाय पी ई, क्योंकि जो वन बाय पी सी हैं इसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया. ठीक है, तो वो इसके लिए पी आर इक्वल्स टू पी ई. ओके, सो जो आपका रैंकाइन फॉर्मूला था, अगर आप लॉन्ग कॉलम लेते हो तो रैंकाइन फॉर्मूला आपका यूलर्स थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग या फिर बकलिंग फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सिमिलरली अगर आप शॉर्ट कॉलम लेते हो, फॉर शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट, ठीक है, फॉर शॉर्ट कॉलम जो बकलिंग जो क्रशिंग लोड है उसकी वैल्यू मच मच लेस देन पी ई. ओके, क्रशिंग का वैल्यू बकलिंग लोड से कम होता है, तभी तो क्रशिंग में फेल होता है ना. ओके, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो वन बाय पी सी इज मच मच ग्रेटर देन वन बाय पी ई. ओके, देयरफॉर वन बाय पी ई कैन बी निगलेक्टेड इन रैंकाइन फॉर्मूला. ओके, तो यहाँ से therefore Rankine formula for short column will be 1 by PR is equal to 1 by PC or sorry 1 by PC. That will be जो Rankine load है वो आपका crushing load के बराबर हो जाएगा. okay, ठीक है, तो रैंकाइन लोड क्रशिंग लोड के बराबर हो जाएगा. शॉर्ट कॉलम के लिए जो रैंकाइन फॉर्मूला है वो क्रशिंग फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका कॉलम्स कॉलम्स में इतना ही है आपके सिलेबस में. ठीक है, तो कॉलम यहाँ पर आपका कॉलम ख़त्म होता है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि कॉलम्स के न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो हम स्टडी करेंगे. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.